यूपी की बुलंदशहर पुलिस ने 10 दिन पूर्व गैस एजेंसी संचालक से हुई 2,10,000 रुपए व एक्टिवा स्कूटी की लूट का खुलासा कर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के कब्जे से लूटी गई स्कूटी 37,500 रुपए, लूट में प्रयुक्त दो बाइकें, दो तमंचे व दो छुरी बरामद की हैं। पुलिस अभी दो और फरार लुटेरों की तलाश में जुटी है। बुलंदशहर पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शातिर लुटेरे सचिन, लक्ष्मण, अरुण और विकास, जिन्होंने 28 जुलाई को बुलंदशहर के भारत गैस एजेंसी संचालक से 2,10,000 रुपए की नकदी व स्कूटी शस्त्रों के बल पर आतंकित कर सरेआम उस समय लूट ली थी जब गैस एजेंसी संचालक नकदी लेकर अपने घर जा रहे थे। पुलिस की माने तो लुटेरे की लूट की वारदात के बाद गाजियाबाद से चोरी की गई बाइक को छोड़ गैस एजेंसी संचालक की स्कूटी से फरार हो गए। मगर जब पुलिस ने बरामद बाइक की तफ्तीश शुरू की तो बाइक गाजियाबाद के कविनगर इलाके से चोरी की गई थी। 28 जुलाई को शाम को लगभग 19:40 बजे, 7:30 बजे के आसपास ये भारत गैस एजेंसी के संचालक से स्कूटी सहित उनके 2,00,000 रुपए लूटे गए थे। जब वो अपनी गैस एजेंसी से अपने घर कैश लेके जा रहे थे और इस घटना के बाद कोतवाली देहात पुलिस ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इस प्रकरण में काम किया। मौके पर एक मोटरसाइकिल अपराधियों की छूट गई थी। उस मोटरसाइकिल के बारे में जब जानकारी किया गया तो पता चला कि वो 17/18 जुलाई की रात में कबीरनगर थाना क्षेत्र की एक बंद कॉलोनी से चोरी की गई थी और उस मोटरसाइकिल को चोरी करने के लिए ये लोग एक एसेंट कार से गए थे। उस आधार पर पुलिस ने पूरे गिरोह का अनावरण किया और लगातार हमारी टीम इनका पीछा कर रही थी। एक पुलिस मुठभेड़ में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें इसका गैंग लीडर सचिन उर्फ लाला है, सिकंदराबाद का, जिसके विरुद्ध लूट आज के 7 मुकदमे हैं, पुराना शातिर अपराधी है। एक इसमें जो व्यक्ति टेलर के रूप में काम करता है वो मुखबिर की भूमिका में था और ये लक्ष्मण लोधी इसका नाम है। इसने गैस एजेंसी के संचालक के संबंध में मुखबिरी की थी, इसी की मुखबिरी पर लूट की घटना कारित हुई है, ये भी गिरफ्तार किया गया है। इनके 2 साथी और विकास यादव और अरुण लोधी, जिनका यद्यपि अभी तक क्रिमिनल इतिहास कोई ज्ञात नहीं हो पाया है, ये भी गिरफ्तार किए गए हैं। लूटी गई स्कूटी को इन्होंने गांव पचौता गांव में ले जा करके एक सूखे कुएं में डाल दिया था, ऊपर से घास आज डाल दिए थे ताकि किसी को जानकारी न हो। और लूटी हुई स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। इनके कब्जे से वो मोटरसाइकिल भी बरामद हो गई है जिससे इन्होंने घटना को कारित किया था और कबीरनगर में जो चोरी की गई मोटरसाइकिल थी वो तो मौके पे ही उसी दिन बरामद हो गई थी। इनके पास से नाजायज असलहे कारतूस आज प्राप्त किए गए हैं। तो इस तरह से घटना का अनावरण किया गया। 2 अभियुक्त और शेष हैं जिनसे हम गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। 37,500 रुपये रिकवरी के उस लूट के बरामद हो गए हैं, शेष रुपये उन दोनों के पास हैं जिनके लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। इसी बाइक के सहारे पुलिस ने लुटेरों का सुराग लगाया। पुलिस का दावा है कि लुटेरों ने गाजियाबाद के कविनगर इलाके से जो बाइक चोरी की थी उसे एक कार से चोरी करने गए थे, जिसके साक्ष्य जैसे ही पुलिस के हत्थे चढ़े तो पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। आज जब लुटेरे किसी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे तो बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस की मुठभेड़ हो। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।